थाउजेंड डी आई 40 डेज प्रोग्राम दोस्तों लर्निंग कैप्सूल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। एक ऐसा प्रोग्राम जिसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है और जहां सिर्फ 40 डेज में 1000 मेंस लेवल डीआई होने वाले हैं। लाइफ टाइम वैलिडिटी से मतलब ये रहेगा कि क्लासेस तो आपकी लाइव रहेंगी मगर हर क्लास के बाद उसकी रिकॉर्डिंग सेम डे पर आपको मिल जाया करेगी जो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगी। और इस कोर्स में हम लोग 1000 से ज़्यादा डीआई करेंगे जिसमें केसलेट डीआई, लॉजिकल डीआई, टॉपिक वाइज अर्थमेटिक डीआई और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में आई हुई सारी डीआई, ये सभी कुछ कवर होंगी। और बैच शुरू हो रहा है 7 जून से, तो जिन भी लोगों को रजिस्टर करना है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई एक लिंक है, 1000 DI 40 डेज नाम से एक लिंक दी गई है, वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और बैच पर इनिशियल डिस्काउंट भी लगा दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग कैप्सूल्स के इस नए वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं कि SBI PO के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो उसमें ज़्यादातर फोकस केसलेट DI पे चल रहा है। 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा चैनल पे, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। तो 4 क्लासेस में हम 8 DI कर चुके हैं जिनमें से मोस्टली केसलेट थे। आज की क्लास में 2 केसलेट DI करने वाले हैं। तो इस तरह के DI SBI PO प्रीलिम्स में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो हम लोग सीख लें। टेबल बारग्राफ आप लोग कर लेते हैं इसलिए केसलेट पे ज़्यादा फोकस है, वो भी करवाऊंगा बाद में, बट अभी इन पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो आज की दोनों केसलेट देखते हैं कैसी हैं, शुरू करता हूं मैं। देखिएगा क्या क्वेश्चन है। देर आर 4 हाउसेस नेमली अशोक, टैगोर, रमन एंड शिवाजी। ऐसे KV स्कूल जो होता है केंद्रीय विद्यालय, उसमें ये 4 हाउस होते हैं जनरली। मेरे तो यही थे, अशोक, टैगोर, रमन और शिवाजी, ये 4 हाउसेस हैं इन आर स्कूल विच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दैम। ठीक है, तो देखो ये आपको पता लग गया भाई बॉयज गर्ल्स के नंबर लगवाने वाला है, 4 हाउस है, तो आप सीधे सीधे एक टेबल बना लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा काम है। एक बना लेता हूँ टेबल, यहाँ लिख लेता हूँ हाउस, बॉयज को मैं प्लस से लिखता हूँ टाइम बचाने के लिए, गर्ल्स को क्रॉस से लिखता हूँ। एग्जाम में हमेशा हैबिट बना लो ऐसा कोई शॉर्टकट मारने की, ताकि आराम रहे। अभी एग्जाम में मत प्यार से ऐसे हाउस हाउस लिखने लग जाना, यहाँ मैं आप लोगों की समझ के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। इतनी प्यार से एग्जाम में टेबल्स मत बनाया करो। अब हाउस में लिख दे रहा हूँ सबसे पहले अशोक, देन में लिख दे रहा हूँ टैगोर, फिर मैं लिख दे रहा हूँ रमन और फिर मैं लिख दे रहा हूँ शिवाजी। बड़ा बड़ा एक्सप्लेन करने के लिए इसलिए इतना दूर दूर लिखा है। एग्जाम में इतना प्यार मत दिखाना क्वेश्चन के साथ में, सॉल्व करो और आगे बढ़ो, ज़्यादा नाटक नहीं करना एग्जाम में, ठीक है। ठीक है भैया, अब देखते हैं क्या बोलता है, भरते जाएंगे टेबल में नंबर, कुछ नहीं करना। और बस एक ही चीज़ याद रखो, हमेशा बताता हूँ ये वाला DI करते टाइम, वेरिएबल जितने कम हो सके कम रखने की कोशिश करो, XYZ तक मत जाओ, X में रखने की कोशिश करो। जबरदस्ती अगर हो ही रहे दो, तब 2 वेरिएबल तक जाओ, नहीं तो 1 वेरिएबल में पूरा क्वेश्चन करने की कोशिश करो, तो आपका क्वेश्चन आसान है और समझ लेना आप सही दिशा में जा रहे हो, अदरवाइज बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। वेरिएबल्स रिड्यूस किया करो इसमें, ठीक है। क्या बोलता है भाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अशोक हाउस इज 35% लेस देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रमन हाउस। सबसे पहले कोशिश करो पूरी केसलेट एक बार गो थ्रू कर लो और देखो परफेक्ट नंबर कहां दिए हैं। ऐसी केसलेट में क्या होगा, रेशियो दिया होगा, फ्रैक्शन दिया होगा, परसेंट दिया होगा, देखो नंबर कहाँ दिख रहा है। मुझे नंबर ये दिख रहा है, देखो लास्ट में एक नंबर दिख रहा है, सबसे पहले नंबर देखो। पूरी केसलेट पढ़ो चाहे मत पढ़ो, जहां नंबर दिया नंबर पे घुस जाओ, नंबर को मार्क कर लो। क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रमन हाउस इज 500, खत्म कहानी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रमन हाउस इज 500 लिख लिया। ऐसे के करके लिखते जाओ, ये लाइन मैंने हटा दी यहां से, ठीक है। अब मैं नहीं मिटाऊंगा, जो बाद में आएंगे वो बोलेंगे सर ये लाइन क्या है, बट एक बात बता दी क्वेश्चन में, अब मेरे को दिमाग में नहीं चलेगी लास्ट लाइन मैंने कवर कर ली, 500 बच्चे रमन हाउस में। अब आपको रमन के टोटल बच्चे पता है, तो ऐसी लाइंस उसमें से निकाल लो जिसमें रमन हाउस के टोटल बच्चों से कंपैरिजन कर रखा हो। जैसे इससे ऊपर वाली लाइन मुझे दिख रही है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन शिवाजी हाउस इज 18% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रमन हाउस। शिवाजी में बोल रहा है रमन से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रमन हाउस मैंने 500 लिख लिए भाई। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन शिवाजी हाउस इज 18% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रमन हाउस। शिवाजी हाउस में रमन हाउस से 18% ज्यादा बच्चे हैं। 18% ज्यादा मतलब 500 का 18% कितना होता है, 90 हो जाता है। शिवाजी हाउस में कितने हो जाएंगे, 590 हो जाएंगे। शिवाजी हाउस में 590 बच्चे मैंने लिख लिए। यहां तक बात क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई 500 बच्चे रमन हाउस में दिए थे, ठीक है, 500 आपको रमन हाउस में दिए और आपने 18% ज्यादा उसमें कर दिए। बाकी सब मिटा देता हूँ ये सारी लाइनें। अब देखो लास्ट की 2 लाइनें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन शिवाजी हाउस इज 18% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रमन हाउस, ठीक है। आउट ऑफ विच 40% आर बॉयज, शिवाजी हाउस के बच्चों में से 40% बॉयज हैं। शिवाजी हाउस के लोग कितने हैं, 590 हैं। 590 का 40% कितना हो जाएगा, 59 का हो जाएगा, 236 हो जाएगा क्या, 236।
236 एज हो जाएगा बच्चे का, 300 354 बच जाएंगी गर्ल्स, हो जाएगा ये 500 और फिर 18, ठीक है 90। तो बॉयज और गर्ल्स शिवाजी हाउस के आपको आपको पता लग गया, देखो सीधी सी बात है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन शिवाजी हाउस 18% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रमन हाउस। नेक्स्ट लाइन में रमन हाउस में 500 दिए हुए हैं, 500 का 18% बढ़ा के 590 लिख दिया, और 590 में से बोला 40% लड़के हैं, 60% लड़कियां हो जाएंगी, भाई सीधी सी बात है। तो 590 का मैंने 40% निकाला, 59 का 40% आपका निकलेगा ये 59 4 236, तो मैंने निकाल लिया ठीक है। 236 लड़के हो जाएंगे तो 354 लड़कियां हो जाएंगी फॉर ऑब्वियस रीजन। अच्छा जी लास्ट की दो लाइन हो गई, अब इनसे कंपेयर करती हुई लाइनें ढूंढनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब तो आगे रमन शिवाजी की बात हो गई, क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन रमन हाउस एंड नंबर ऑफ बॉयज इन टैगोर। चलो ये बात की बात है, हम शुरू से देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अशोक हाउस इज 35% लेस देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रमन हाउस। रमन हाउस से 35% कम लोग अशोक हाउस में, रमन में कितने हैं 500 हैं, 500 का 35% कितना होता है 175 होता है क्या, 175 होते हैं 125 125, 175, तो 175 लेस देन 500 मतलब 325 हो जाएगा। अशोक हाउस में टोटल लोग कितने हो गए, 325 हो जाएंगे, 500 का 65% होगा ना, 500 का 65% कितना हो जाएगा, 325 हो जाएगा, 500 का 65 मतलब 65 × 5 दैट इज 325। अच्छा यहाँ तक बात क्लियर हो गई, तो अशोक हाउस में 35% लेस है रमन हाउस से। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन टैगोर हाउस, अब देखो इसको क्या कर लो, इसको दो टुकड़ों में तोड़ लो, एक टुकड़ा एक्स मान लो, एक क्या मान लो 325 माइनस एक्स, वाई मत मानना, वाई मानने गलती मत करना, नहीं तो दो इक्वेशन बन जाएगी, काम लंबा हो जाएगा। एक एक्स होगा दूसरा 325 माइनस एक्स हो जाएगा, क्यों, दोनों का सम तो मेरे भाई 325 से निकालोगे, सिंपल लिख लिया ठीक है मेरी बात यहां तक। आगे क्या बोलता है देखते हैं सॉरी, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन टैगोर हाउस इज 20, मिटा देता हूं मैं यहां तक ताकि लाइनों से आपको दिक्कत ना हो। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन टैगोर हाउस इज 24% मोर एंड 12% मोर रेस्पेक्टिवली देन द सेम इन अशोक हाउस, मतलब बॉयज तो 24% ज्यादा है अशोक हाउस से, किसमें, टैगोर हाउस में, तो कितना हो जाएगा 124x/100 हो जाएगा भाई, इससे 24% ज्यादा ठीक है, 124x/100 हो जाएगा। और गर्ल्स कितनी बताइए, 12% मोर रेस्पेक्टिवली देन द सेम इन अशोक हाउस, गर्ल्स इससे 12% मोर हो जाएंगी, तो 12% मोर गर्ल्स कर दो, 112/100 मल्टीप्लाइड में कितना हो जाएगा 325 माइनस एक्स, ये हो गया ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन रमन हाउस एंड नंबर ऑफ बॉयज इन टैगोर हाउस, नंबर ऑफ बॉयज इन रमन, ये रहा नंबर ऑफ बॉयज इन रमन एंड नंबर ऑफ बॉयज इन टैगोर, ये रेशियो 4:3 दिया हुआ है। रमन के बॉयज को मान रहा हूँ, मान लो एक बार के लिए यहाँ मैं मान लेता हूँ, कहाँ गया मार्कर, ये रहा, तो रमन के बॉयज में आर कैपिटल मान लेता हूँ ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन रमन हाउस एंड नंबर ऑफ बॉयज इन टैगोर हाउस, टैगोर हाउस बोले तो 124x/100, ये रेशियो मुझे कितना दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ है, सॉल्व कर लो कितनी बार जाएगा, देखो ये हो गया आपका 25 बार, कितनी वैल्यू हो जाएगी भाई, आर की वैल्यू देखो 124x/75 हो जाएगा, आर की वैल्यू बोल रहा हूँ कितनी हो जाएगी 124x/75, आर की वैल्यू लिख लो उठा के 124x/75 हो जाएगी, रमन हाउस के लड़कों की संख्या बॉयज की संख्या हो जाएगी रमन हाउस में इतनी। यहाँ तक क्लियर है बात सभी को भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या दिया है, आगे दिया है डेटा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन टैगोर एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन रमन हाउस 7:9, 7/9 दिया है, किस किस का रेशियो भाई, भाई रमन और टैगोर का बॉयज का रेशियो दिया था पहले तो, है ना भाई, अब दिया गर्ल्स का, गर्ल्स का दिया है टैगोर एंड रमन का उल्टा रेशियो दिया, टैगोर का कितना है भाई गर्ल्स, टैगोर की गर्ल्स हैं 112/100, 325 माइनस एक्स डिवाइड बाई गर्ल्स लिख लो रमन की मान लेते हैं, इस बार रमन की आर मान लेते हैं वापस से, ये 7:9 दिया, सॉल्व करो 7 से 112 काटोगे 16 बार जाएगा, ध्यान होना चाहिए, याद है नहीं याद है तो याद कर लो, ये 4 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, आर की वैल्यू दो कितनी आ जाएगी 36/25, 325 माइनस एक्स आ जाएगी, ये आ जाएगी आर की वैल्यू, आर की वैल्यू जाएगी 36/25, 325 माइनस एक्स, तो 36/25, 325 माइनस एक्स बन गई आपकी पूरी टेबल एक्स के टर्म में बन गई है। एक चीज देखो आप, ये पूरी टेबल एक्स के टर्म में है, अब जो मर्जी सॉल्व कर सकते हो आप। अब आपको ढूंढना है एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए भैया मेरे क्या करोगे, देखो सोच के देखो, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप ऐसी जगह जाना पसंद करोगे जहां से आपको सब कुछ डेटा दिया हुआ हो,
देखो इसमें जाने का कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो, इसमें जाने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर टोटल है ही नहीं अभी, इसमें जाने का फायदा है, फायदा है, 500 दिया हुआ है, तो लो भाई 500 इज इक्वल टू 75 एलसीएम आ जाएगा दोनों का, तो 124x प्लस 108 325 माइनस एक्स, ये इज इक्वल टू इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर सकता हूँ, लगेगा कि क्या भारी भरकम है, भैया भारी भरकम कुछ नहीं होता, सॉल्व करना ही पड़ता है मैथ में, देख लो कितना है भाई, ये मल्टीप्लाई की 124x यहाँ से माइनस 108x हो जाएगा, बचेगा 16x प्लस 108 इंटू 325, खत्म बात यहाँ तक। तो अब अगर मैं इसको पूरे को 4 से काट दूँ सिंपली, तो कितना बच जाएगा, ये बचेगा 27, ये बचेगा कितना 4, ये बचेगा कितना 125। कॉमन काटने पे विश्वास रखा करो, कॉमन लो काटो ज्यादा से ज्यादा, सॉल्व कम से कम करो, काटो ज्यादा से ज्यादा, एक सेकंड रुकना भाई, देखना सॉल्व कम से कम काटना ज्यादा से ज्यादा, लो काम हो गया आसान। अब दिख रहा है कुछ आसानी, अभी भी नहीं दिख रही, देखो और आसान कर देते हैं, 4x की वैल्यू आपको पता लगे कितनी आ जाएगी, 125 इंटू 75 माइनस 27 गुणा 325, इसमें से और इजी निकल जाएगा, कैसे, अगर 25 कॉमन ले लूं, इसमें से मैं 25 कॉमन लूंगा तो यहां तो बचेगा 5 भाई, 25 में से लिया 5 और गुणा 75 बच जाएगा, 25 कॉमन ले लिया देखो, तो 5 गुणा 75 बचा, माइनस 27 गुणा 25, 325 में से निकालोगे कितना बच जाएगा, 25 वन जा 25, 75 13, ये लो हो गया काम आपका, कितना बच गया देखो, अब तो आसान हो गया काम। फिर तीन भी और कॉमन ले सकते हो, ये बच जाएगा 25, ये बच जाएगा कितना 9, बाहर आ जाएगा 75, अब कितना बचा देखो, 75 मल्टीप्लाइड बाई 125 में से 117 गए तो 8, ये इज इक्वल टू 4x है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। सॉल्व पूरा पूरा आप सोच रहे थे छह छह डिजिट सॉल्व करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, x की वैल्यू 150, मैंने 25 गुणा 3 75 कॉमन ले लिया था एक्चुअली, ठीक है 75 कॉमन लिया, तो आपका काम आसान हो गया, 75 कॉमन लेने से बस वही काम किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है भाई यहाँ तक बात क्लियर है सभी को, तो x की वैल्यू 150 आ गई, x की 150 आ गई, तो आप पूरे टेबल सॉल्व कर सकते हो आराम से, करते जाओ जो मर्जी। ये जिस भी बच्चे ने डाउट मेरे को भेजा था, ये मेंस में दिया था, मैंने आपको प्री में कराया, तो ऐसा मत समझना कि इतना टफ डेटा वेटा आ जाता है, बट आ जाए तो सॉल्व तो करना ही है, ये मेंस में दिया हुआ था, मॉक्स में ये पजल्स मेंस में दी हुई है, मैंने आपको प्री बोल के कराई है, ताकि ठीक है प्रैक्टिस अच्छी रहे आप लोगों की, तो ऐसा नहीं है कि भाई प्री में भी एकदम प्री का कंटेंट ही डाल रहा हूँ पूरा पूरा ही, ये मेंस में कराई, मेंस में आई हुई पजल है किसी मॉक में, ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने भेजा है वो ठीक है, बट ये आई हुई मेंस में पजल है। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितनी आ गई पता है आप लोगों को, एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 150, वो अपन यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कि एक्स की वैल्यू मेरी कितनी है 150 है, एक सेकंड देना अभी मार्किंग कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू 150 है, लिख ली, देख लो क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टैगोर हाउस, टैगोर हाउस के टोटल बच्चों का नंबर कितना है देखो, 124x/100, सबसे पहले तो 100x की, एक्स की वैल्यू 150 डालोगे तो 124 इंटू 3/2 प्लस 112/100, 325 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा, 225 में से 150 गया तो 175, 25 से जाएगा 7 बार, 25 से जाएगा 4 बार, 2 बार, 8 बार, ठीक है ये जाएगा 62 टाइम्स, यहाँ से आएगा 186 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 इन, ये 7 इंटू 4 है, 49 इंटू 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 196, ये कितना आ जाएगा 370 और 12, 382 आपका आंसर हो जाएगा, 382 डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, एक बार बस बनाने की मेहनत है उसके, और इतना टफ डेटा नहीं आएगा प्री में, ये थोड़ी सी मेंस की पजल थी तो इसलिए आपको थोड़ा सा लगा कि भाई थोड़ा डेटा सा टफ आ गया, टाइम लग गया, बाकी ये मेंस में दिया हुआ था, प्री में डेटा थोड़ा और इजी हो जाएगा, तो आप हाँ मगर पैटर्न यही आएगा, इस पैटर्न के लिए तैयार जरूर रहना, हाँ ये डेटा जो है इतने भारी भरकम ये डेटा एग्जाम्स में नहीं मिलते हैं, तो इसकी चिंता मत करना आप, ठीक है, आप सोचो कि सर डेटा इतना भारी आएगा, नहीं डेटा इतना भारी नहीं आता, टेंशन मत लेना, ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बातें देखते हैं क्या है, नंबर ऑफ बॉयज इन अशोक हाउस, नंबर ऑफ गर्ल्स इन रमन हाउस, क्वांटिटी 1 2 कंपेयर करनी, चलना तो वहीं पड़ेगा बेसिक्स पे अपने को, जहां हमारा डायग्राम है, आई होप आपने टेबल बना ली होगी, प्लीज टेबल बना लो, एक मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, एक मिनट नहीं एक्चुअली 10-12 सेकंड ही दे रहा हूँ, टेबल बना लीजिए अगर कुछ बच रहा है आपका, तो फिर अपना अगला क्वेश्चन करते हैं आराम से, एक्स 325 माइनस एक्स, उसके नीचे लिखा हुआ अगर किसी को नहीं बीच वाले दिख रहे हैं तो बता देता हूँ, ये एक्स है, ये 325 माइनस एक्स है, फिर 124/100x लिखा हुआ है, फिर 112/100, 112/100, 325 माइनस एक्स, देन 124/75x, देन 36/25, 325 माइनस एक्स, फिर तो आपको दिख ही रहा है सब, ठीक, पूछा क्या है,
अशोक के बॉयज और रमन की गर्ल्स, अशोक के बॉयज का नंबर बताना है और रमन की गर्ल्स का नंबर बताना है, ठीक है। अशोक के बॉयज बोले तो एक्स, एक्स कितना था, 150 था, हो गया काम। रमन की गर्ल्स, रमन की गर्ल्स बोले तो ये वाली 36/25 इंटू 325 माइनस 150, 325 माइनस 150 कितना आया था, 175 आया था क्या, 325 माइनस 150, 225, फिर 50 गया 175, ठीक है। तो कितना हो गया देखो, ये 25 से जाएगा 7 बार, 36 × 7 दिख ही रहा, ऑब्वियसली 200 से बड़ा ही आएगा, ठीक है। 36 × 7 भाई 30 × 7 210 होता है ना, तो रमन की गर्ल्स ज़्यादा आएंगी, रमन वाला डेटा ज़्यादा आएगा। गर्ल्स ही निकाली ना हमने, रमन की गर्ल्स निकाली है, अशोक के बॉयज, ठीक है। रमन की गर्ल्स अशोक के बॉयज से ज़्यादा है, क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, बी आंसर हो जाएगा, क्वांटिटी 2 इज श्योरली ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, ठीक है। चलिए आगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अशोका हाउस, अशोका हाउस में नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या कितनी थी भाई, देखो नंबर ऑफ गर्ल्स इन अशोक हाउस 325 माइनस 150, दैट इज 175, क्लियर सा आंसर है 175, सी आंसर हो जाएगा 175, इजी क्वेश्चन था, आराम से होने लायक क्वेश्चन था ये। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस डीआई के, उसके बाद एक डीआई और आ रहा है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल हाउसेस टुगेदर, आ गया बड़ा क्वेश्चन, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है, डेटा लंबा लग रहा है, तो एक क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाओगे तो शायद दो अर्थमेटिक बना लोगे इतनी देर में। इस चीज का एग्जाम में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिमाग में रखना, बाकी अभी तो करेंगे सॉल्व प्रैक्टिस के लिए। नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स ऑल हाउसेस टुगेदर का डिफरेंस बताना है, तो बताने की कोशिश करते हैं, देखो ऑल हाउसेस टुगेदर का, ठीक है। देखो एक एक करके सारे हाउस का निकाल लेते हैं, ज्यादा इजी पड़ेगा हमारे को। ये 150 है, ये 175 आ रहा था, डिफरेंस कितना आ गया 25। वन, अब ये ध्यान रखना प्लस को पहले ले रहे हो, क्रॉस को पहले ले रहे हो प्लस लेने के लिए, तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 150 ये लिया था ना मैंने, और यहाँ पे 175 लिया था, है ना, तो अपन मान ले रहे हैं क्रॉस को प्लस में मान रहे हैं, ठीक है। मतलब गर्ल्स माइनस बॉयज कर रहे हैं अपन, ध्यान रखना कोई भी एक करो, या तो गर्ल्स माइनस बॉयज करो या बॉयज माइनस गर्ल्स करो, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो फिर बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो गर्ल्स माइनस बॉयज निकाल रहे हैं, प्लस का आएगा तो प्लस का, माइनस का आएगा तो माइनस का देखी जाएगी। तो यहाँ पे 175 माइनस 150 किया, प्लस की 25 आ गई, ठीक है, गर्ल्स माइनस बॉयज। यहाँ पे सिंपल सा एक बार देख लो, जो ईजी है पहले कर लो एक बार, 54 में से 36 गए तो 18, और 300 में से 200 गए तो 100, तो 118 यहाँ आ गया, ठीक है, गर्ल्स माइनस बॉयज। अब अगर टैगोर का करूँ, टैगोर का क्या हाल है भाई, 124, एक्स की वैल्यू आपको 150 डालनी ही है यहाँ, इसकी वैल्यू हमने शायद टैगोर की निकाली थी आई गेस, टैगोर के 382 निकाले, तो कैसे निकाले थे, एक तो शायद आया था 196 और एक शायद आया था 186 आई गेस, 186 और 196 का डेटा आया था ना, तो हमने किया था, हाँ ये डेटा सॉल्व किया हुआ है हमने भाई, 370 और 12, हाँ ठीक है। तो इसमें ज़्यादा क्या आया था, 112/100, गर्ल्स कौन सी थी बॉयज़ कौन सी थी, बस मुझे ये याद नहीं आ रहा, आप लोगों को शायद डेटा लिखा हुआ होगा, 112/100 आया था, फिर आया था यहाँ पे 175, फिर 7 किया था, 4 किया था, फिर इसको काटा भी था शायद हमने, किससे काटा था यार, याद 4 दुनी 28 से काटा था ना, हाँ तो ये हो गया था 140 और 56, 196 इससे आया था, तो गर्ल्स ज़्यादा थी बॉयज़ कम थे, तो +10 यहाँ से भी आएगा, नो इशू, हाँ +10 आया था, 10 का डिफरेंस यहाँ से भी आ जाएगा। अब देखते हैं रमन हाउस की क्या कंडीशन है, इसमें कितना 101 118 आया हुआ ना, यहाँ से 118 आया हुआ था, यहाँ से 10 आया हुआ था, यहाँ से 25 आया हुआ था, यहाँ से, गलती ना हो बस कैलकुलेशन में ध्यान रखना, ठीक है। अब ये चेक कर लेते हैं कितना है, 124 × 2 जाएगा 248, तो बॉयज हो जाएंगे इसमें, रमन की बात कर रहा हूँ। गर्ल्स देखोगे तो 325 माइनस 150 करोगे तो 175, 36 × 7 हो जाएंगी गर्ल्स। गर्ल्स का नंबर निकालो, 7 6 42, 4 7 21 और 15 252, +4 यहाँ से आ जाएगा डेटा, +4 का डेटा यहाँ से आ रहा है, सम करके देख लो कितना आता है, 25 और 10 35 और 4 39, 39 और 10 49 और 857, 157 का डेटा आ रहा है, लेट्स चेक, 157 हमारा डेटा आएगा। एक कर लो गर्ल्स माइनस बॉयज या बॉयज माइनस गर्ल्स, 157, यस सी आंसर है, बिल्कुल सही है, 157 हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक डीआई खत्म हो गई, आई होप पसंद आई होगी, एक्चुअली एसबीए क्लर्क मेंस के मॉक्स में दी हुई थी, बट मुझे लगा लेवल एसबीए पीओ प्रीलिम्स लाई किया, थोड़ा डेटा इजी हो सकता था, बाकी लेवल पीओ प्रीलिम्स का ये, तो मैंने यहाँ पे करा दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली डीआई की तरफ, तो इस डीआई में हमको दिया है, फ्रॉम अ क्लास अ टोटल ऑफ 200 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग 3 पेपर्स P1 P2 एंड P3, ठीक है, मतलब एक क्लास के बारे में डेटा दिया गया है, ठीक है,
और उस क्लास के बारे में बात कर रहा है कि भाई उस क्लास के बच्चे जो है तीन पेपर्स में बैठते हैं एग्जाम में, P1 है, P2 है और P3 है। ठीक है भाई, P 56% स्टूडेंट पास इन पेपर, P1 63%, खत्म, बाद वेन डायग्राम बनेगा पता लग गया मुझको, है ना भाई। 56 यहाँ दे रखा है, फिर 63 दे रखा है, इसका मतलब कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट है मतलब उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, वेन डायग्राम से। तीन पेपर हैं, तीन डायग्राम बना के बैठ जाओ मस्ती से, बस डालते जाओ इसमें वैल्यू, होता जाएगा क्वेश्चन आपका। देखो P1, P2 और P3 क्या बोलता है, 56% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन पेपर वन, पेपर वन मतलब P1, 56% ऑफ 200 बच्चे हैं, 200 बच्चों का 56 कितना होता है, 112, लिख लो 112। 63% पास्ड इन P2, 63 का 126 हो जाएगा, लिख लो 126, हो गया आसान। 56.5% पास्ड इन P3, लिख लो 113, भाई 200 बच्चे हैं, 56.5 कितना हो जाएगा, 113, लिख लिया। 11% स्टूडेंट पास्ड ओनली इन पेपर P1 एंड P2, P1 और P2 दोनों में ही सिर्फ पास हुए और किसी पेपर में पास नहीं हुए, तो P1 में भी पास होते हैं, P2 में भी होते हैं। आज हमारे ग्रुप में डाउट पूछा जा रहा था कि सर कल वाले DI में आपने वो बोथ में दोनों को क्यों लिया, तीसरे को नहीं लिया, एक को क्यों लिया। देखो उन्हीं चीजों के लिए है, वेन डायग्राम में डाउट आना बड़ा लाजमी सा है, बट प्लीज ध्यान रखो जब ओनली बोला जाता है तभी ओनली समझा करो, उसके अलावा पूरा जनरलाइज केस लेना होता है, भले ही किसी भी टेस्ट सीरीज डायग्राम आपका कहीं कुछ भी लिखा हो, मगर जो कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है यही एग्जाम में माना जाएगा, इसको ध्यान रखो। जैसे कि यहाँ क्या दिया है देखो, 11% स्टूडेंट पास्ड ओनली इन पेपर वन, P1 एंड P2, तो P1 देखा, P2 देखा, इन दोनों में पास और कहीं पास नहीं होगा क्योंकि ओनली लिख दिया है, तो P1 P2 दोनों में पास होने वाला एरिया कौन सा है, ये वाला और ये वाला, बीच वाला मगर P3 में भी पास है, मगर यहाँ ओनली बोला है सिर्फ ये वाला एरिया काउंट होगा, इसकी वैल्यू 11% मतलब 22 डाल दो, ये एरिया 22 हो जाएगा। ठीक है, ये 22 हो गया। 8% पास्ड ओनली ओनली इन पेपर, ओनली वर्ड का ध्यान रखना बस, ओनली इन पेपर P1 एंड P3, ये P1 रहा, ये P3 रहा। 8% मतलब इन दोनों कॉमन हो गया, 16 का रीजन ये हो गया। 22% स्टूडेंट पास्ड इन ऑल थ्री पेपर, 22% बोले तो 44 लोग, ये लो 44 लोग जो तीनों में पास हुए, बीच में डाल दिए 44 हो गया, बस इसके अलावा कोई डेटा मुझको नहीं दिया गया है। ठीक है जी। अच्छा अब क्वेश्चन आपसे आगे पूछे जाएंगे ऑब्वियसली, पहले तो ये देखो कि भाई जो जो वैल्यू मिसिंग है निकाल सकते हो क्या। देखो जो 112 है, 112 वो क्या क्या होगा, दिस एरिया, मैं सारे टिक्स मिटा देता हूँ ताकि नए टिक्स आपको आसानी से दिख जाए, एक सेकंड रुको, ब्लैक में टिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये एरिया, ये एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, चारों एरिया मिला के कितना होता है, 112 कर लो, 44 और 22 66, 66 और 16 कितना हो जाएगा, 82, 112 में से 82 जाएगा तो कितना बचेगा, 30, ये हो जाएगा 30, खत्म बात, ये हो गया 30। ठीक है, गोला वापस बनाना पड़ेगा, वापस बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है, गोला बनाने में टेंशन नहीं है। ठीक है जी, ये 30 लिख लिया, ये फिगर पता लग गया। अब क्या बोलता है देखो, अब क्या बचे, तीन एरियाज बच गए, इसको नाम ए बी ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो आपको ए प्लस बी की वैल्यू मालूम है कि नहीं मालूम है, ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 126 माइनस 66 हो जाएगी, तो ए प्लस बी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ। ये भाई ए प्लस बी प्लस प्लस 22 प्लस 44 ये मिला के 126 होना चाहिए था, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 126 माइनस इन दोनों का सम 66, तो a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 60, a प्लस बी आपके पास 60 आ गया। यहां तक बात समझ आ गई कि a प्लस बी आपका क्या है, 60 है। ठीक है, a प्लस बी अगर 60 है तो a प्लस बी 60, अब अगर आप c भी देखो तो आप एक चीज देखोगे, a प्लस बी प्लस c की वैल्यू कितनी होगी, एक लाइन जो क्वेश्चन में लिखी है वो काम आएगी यहाँ पे, नो स्टूडेंट फेल्ड इन ऑल थ्री पेपर्स, ऑल थ्री पेपर्स में एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हर बच्चा किसी ना किसी सब्जेक्ट में तो पास हुआ है, इसका मतलब है हर बच्चा एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में तो पास हुआ। भाई मैं कह रहा हूँ कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो सब में तीनों पेपर में फेल हो गया, मतलब हर बच्चा एक ना एक में पास हुआ, एक ना एक में पास हुआ, इसका मतलब हर बच्चे की एंट्री इस डायग्राम में है, एटलीस्ट एक में तो है ही, तो इसलिए इन सारी एंट्रीज का सम मिला के कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर सारी एंट्रीज का सम मिला के 200 है तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 माइनस बाकी सारा सम कर लो, बाकी सारा सम कर लोगे तो पूरा सम करने मत बैठ जाना, इस सर्किल का पूरे का सम कितना दिया हुआ है देखो, इस पूरे एरिया को कवर करते हुए का, ये पूरा एरिया कवर बोल रहा हूं मैं, ये पूरा एरिया कवर करने बोल रहा हूं, ये समझ रहे हो, पूरा एरिया 112 के बराबर है, 112
साथ में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू के लिए बता रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी बस इतना ही तो होगा, 200 माइनस 112 तो हो जाएगा भाई, ए प्लस बी प्लस सी माइनस में बाकी सारा एरिया, इतना ही तो है हमारा पूरा, तो बाकी सारा एरिया कितना, 112 का ही तो है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जल्दी जल्दी बता दो, क्या 88 हो जाएगी? क्या 88 हो गई ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, खत्म कहानी, हो गया क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 88 आ गई आपके पास। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 88 आ गई, ए प्लस बी की 60 है, सी की वैल्यू कितनी लिख दोगे, लिख दो 28, खत्म क्वेश्चन, लिख दो सी की वैल्यू 28। अब क्या बच रहा है देखो, अब ए और बी की वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है भाई, ये 113 है, 113 मतलब कितना हो जाएगा, ये 28 प्लस ये 16 प्लस ये 44, यही तो तीनों हो जाएंगे, 28 16 और 44 और बी, मतलब 28 प्लस 16 कितना हो जाएगा भाई, 44 हो जाएगा क्या, 44 प्लस 44 कितना हो जाएगा 88, तो बी इज इक्वल टू 113 माइनस 88 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू 25 आएगी कि नहीं आएगी, बी की वैल्यू 25 आ गई, सिंपली लिख लो बी की वैल्यू 25। अब बी की वैल्यू अगर 25 आ जाएगी तो भैया मेरे बहन मेरी, बी की वैल्यू 25 तो ए की वैल्यू कितनी लिख दोगे, 35 नहीं लिख सकते क्या, ए प्लस बी भी तो 60 दिया हुआ है, ए प्लस बी 60 दिया हुआ है, ए की वैल्यू 35 बी की 25, हो गया डायग्राम, डायग्राम से खेल खेल में क्वेश्चन खत्म। अब देख लो जो क्वेश्चन आया, जा वेन डायग्राम से डरना नहीं है, दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट थिंग यू कैन डू इन बैंकिंग मैथ्स पेपर, अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं इसका मतलब यह है कि मजा आ गया, ये 5 नंबर फ्री के दे दिए उसने, अपनी साइकोलॉजी चेंज करो, जैसे क्या करते हो ना 5 क्वेश्चन क्वालिटिक में देखते बोलते हो ना कि ये 5 तो मेरे हैं, समझ रहे हो, 5 क्वेश्चन मिसिंग सीरीज के देखते बोलते, रॉन्ग सीरीज नहीं, मिसिंग सीरीज के देखते बोलते हो ना ये मेरे हैं, वेन डायग्राम में भी ये हालत हो जानी चाहिए, और इसलिए नेक्स्ट सैटरडे को मैं क्लास, नेक्स्ट सैटरडे आज आज सैटरडे नेक्स्ट सैटरडे को फुल वेन डायग्राम की पूरी मैराथन क्लास लूंगा एक, मैं आप लोगों की सब कुछ सही रहा तो पूरी क्वेश्चन 99.99% चांस रहेंगे कि नेक्स्ट सैटरडे को वेन डायग्राम मैराथन क्लास लूंगा, उस दिन पूरा वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर कर लेना है कि वेन डायग्राम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लगने लग जाए कि ये 5 क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन फ्री के दे दिए, ठीक है, और प्रीलिम्स में वेन डायग्राम ऐसे फर्जी फर्जी से आते हैं, मजे से हो जाएंगे। चलो ये डायग्राम सारा बन गया, कर लो क्वेश्चन क्या है भाई, देखो हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन पेपर 2 एंड 3 बट फेल्ड इन P1, 2 में पास हुआ 3 में पास हुआ मगर 1 में फेल हो गया, तो इसका मतलब ये इन दोनों का कॉमन ये रहा, मगर ये तो 1 में पास है, डेटा कितना बचा 25 का, टिक मार दो भाई, P2 P3 पास है, देखो या तो 25 एरिया होता, देखो या तो एरिया होता है 25 वाला या होता 44 वाला, भाई वो होता P2 P3 दोनों में पास, मगर 44 जो है वो तो P1 में भी पास है, हमको P1 में फेल कराना है, सिर्फ क्या कर दोगे 25 25 आपका आंसर हो जाएगा, खेल खत्म, पैसा हजम होते हुए, खेल खत्म होते हुए, पहला क्वेश्चन हो गया, और 4 क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इनके क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं वेन डायग्राम के, तो ऐसा नहीं कि वेन डायग्राम बन गया तो भाग गए क्लास से, भागना मत, क्योंकि इन क्वेश्चन में कभी कुछ पूछता है, कभी एटमोस्ट पूछता है, कभी कोई सा रेशियो निकलवाता है, तो उसमें गलतियों के बहुत चांस रहते हैं, तो प्लीज ये अच्छे से देखना क्वेश्चन कैसे करने हैं वेन डायग्राम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड ओनली इन पेपर 2, ध्यान से देखते जाना, ओनली इन P2 आपके पास वेन डायग्राम बना हुआ होगा, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन P3 ओनली, P2 ओनली और P3 ओनली, अब देख लेते हैं क्या है, P2 ओनली बोले तो 35 दिख रहा है आपको, ये रहा P2 ओनली, मतलब मैं दिखाया था मार्कर से दिखाया था, रुको हाईलाइट कर देता हूं, ये P2 ओनली है और ये P3 ओनली है, तो 35 के नीचे कितना लगाओगे 28 लगाओगे, आंसर कितना आ जाएगा भाई 5/4, 5/4 आ जाएगा, लिख लो 5/4 आंसर आ गया, तो बस वही वही आंसर हो जाएगा आपका, इसको मिटा देता हूँ आपके लिए, हाँ भाई कितना आंसर है इसका हो जाएगा, 5/4 आ रहा था तो 5/4 देख लो थर्ड आंसर है, बिल्कुल सही है, टिक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन पेपर P1 ओनली इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन P1 एंड P3 बट नॉट इन P2, इसका परसेंट निकालना है, P1 P3 में पास जाते हैं मगर P2 में नहीं होते, उसका परसेंट निकालना P1 ओनली से, ठीक है, P1 ओनली भाई कितने लोग हैं, P1 ओनली मतलब 30 लोग हैं, सबसे पहले 30 की वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पे, 30 लिख लिया, इंटू 100 अलग है, अब P1 P3 में पास कराना है, P2 में फेल कराना है, P1 में पास कराना है, P3 में पास कराना है, P2 में फेल कराना है, मतलब कितने लोग हो जाएंगे, 16 ही तो रहेंगे भाई, P1 में पास हो रहा है, P3 में हो रहा है, बट P2 ये 44 तो P2 में पास हो रहा है, हमको P2 में क्या कराना है, फेल कराना है, तो
तो सीधा सीधा P1 प्लस P3 माइनस P2 वाले मतलब 16 लोग, देख लो क्या परसेंट आएगा, 16 कर दो यहाँ पे, निकाल लो कितना आ रहा है। अगर मैं काटने जाऊं इसको चार से, तो ये कटेगा 25 बार, ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 15 बार, 25 × 15/2 आ जाएगा, 25 × 15 कितना हो जाएगा 250, और 125, 375/2 जाएगा क्या, 25 दिया हो गया आपका 750, 750/2 मतलब 375/2, 375/2 मतलब कितना हो गया 150 और 12.5, नहीं ठीक है, 1 8 सही आ रहा है ना, हाँ 2 1 2, 2 8 16, 2 7 14.5, 187.5% आ रहा है, पहला आंसर ठीक हो जाएगा। बात समझ आ गई भाई, यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए आप सभी को, समझ में आ गई होगी आई होप। 300 का आधा हो गया 150, 150 में फिर 37.5 जोड़ोगे, 187.5 आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा, ये हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन अच्छे हैं क्योंकि दिमाग लगाना पड़ता है ना, कभी ओनली आएगा कभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पूरा क्वेश्चन देखो, वरना फिर जाओ कौन रोक रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एट मोस्ट वन पेपर, इसका आंसर शायद पता नहीं गलत दिया था क्या था, हु पास्ड इन एट मोस्ट वन पेपर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर 200 इनटू 100 ऊपर करोगे डिवाइड बाय 2 कर दो डायरेक्ट। एट मोस्ट वन पेपर मतलब या तो जीरो पेपर क्लियर किया हो है, या फिर एक पेपर क्लियर किया हो। अब जीरो पेपर क्लियर करने वाला तो कोई नहीं है, मतलब एक पेपर क्लियर करने वाले लोग आपको ढूंढने हैं, एक पेपर क्लियर करने वाले, क्योंकि जीरो वाले कोई नहीं ना, उसने बोला कोई ऐसा नहीं है जो सब में फेल हुआ हो, तो ऐसा कोई नहीं है, तो एक पेपर में पास होने वाले लोग ढूंढने, एक पेपर में पास होने वाले लोग कितने हैं, ये 30, ये 35, ये 28, तो ये हो जाएगा 50 और ये 63 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा 93 हो जाएगा ना, ये 65 और 8 73 93, ठीक है, तो 93 डिवाइड बाई 2 करोगे कितना हो जाएगा 45 + 1.5 46.5 हो जाएगा, दिया हुआ आंसर तो ठीक है, फोर्थ आंसर हो जाएगा 46.5%, पता नहीं इसका आंसर शायद वहां गलत था, मेरे को ध्यान वो रह गया था, यहाँ पे आप लोगों के लिए दिया हुआ है 46.5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, आई होप क्लियर हुआ हो। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आई होप पसंद आ रहा है कंटेंट SBI PO के लिए भी, तो लास्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, देखते हैं क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन पेपर P3 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड ओनली इन पेपर P3, समझते जाना जिनको डाउट आते हैं वाले, पास्ड इन P3, अच्छा डिफरेंस निकाल लेना P3 माइनस ओनली P3, ठीक है, देखो डायग्राम से पता लग जाएगा, देखो P3 पूरा कितना है, P3 पूरा इतना बड़ा है, देखो ये जो पूरा सर्कल कर रहा हूं है ना, ये पूरा P3 है, और ओनली P3 कौन सा है इसमें से, ये वाला पोर्शन ओनली P3 है, इस बड़े वाले में से, हरे पीले में से हरे को माइनस करना है, नंबर बताना है कितना आ जाएगा 16 + 44 + 25, ये P3 में से ओनली P3 को माइनस कर दिया, 44 16 हो जाएगा आपका 60 और 25 दैट इज 85 विल बी माय आंसर एंड आंसर इज सी 85। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन, दिस इज आवर फिफ्थ क्लास, 10 DI करा चुका हूं, अभी और मैं 20 क्लास लूंगा, कुल मिला के मुझे आप लोगों को अच्छे खासे कराना है, ठीक है, 5 क्लास हो गई ना आज, 10 है ना, ठीक है, अभी और 20 क्लास होंगी, हो जाएगा आप लोगों के लिए 40 DI और हो जाएंगे, 50 DI का टारगेट है SBI PO से पहले, प्रीलिम्स से पहले हो जाएंगे, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है कंटेंट और समझ आ रहा है सब कुछ। मिलते हैं वापस से नेक्स्ट क्लासेस में, कल संडे रहेगा, कल क्लास नहीं रहेगी हमारी, और उसके बाद नेक्स्ट वीक हमारी वापस से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, उधर SBI क्लर्क मेंस पे जोर चलता रहेगा सुबह शाम को, SBI PO की बारी लगती रहेगी और धमाके होते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक, प्लीज वीकेंड पे ध्यान रखिए अपना, और प्लीज सारी सारी वीडियोस जो अगर आपने मिस कर दी, इस सप्ताह बहुत सारी वीडियो आई थी, आपको ध्यान हो तो इस सप्ताह बहुत सारी वीडियो आई है, जो भी वीडियोस मिस की है लाइन से लग जाओ, वीडियोस खोल लिया करो, चैनल पे जाया करो, यूट्यूब पे वीडियो सेक्शन खोला, लग गए सारी वीडियोस देखने में, एक एक वीडियो कवर कर लो। SBI क्लर्क मेंस जिनको देना है पूरा पेपर छप के आएगा अपनी वीडियोस से, अभी बता रहा हूं मैं, बाद में सब बोलेंगे यहां से आया था वहां से आया था, मैं अभी बता रहा हूं, जो SBI क्लर्क नाम दे दे के जो जो वीडियो करा रहा हूं ना, एक एक वीडियो कर लेना, DI छप छप के आएंगे, ऐसे कैसे नाम नंबर चेंज हो जाएंगे, अब ये जरूरी नहीं है मैंने अगर लिख दिया कि अशोक हाउस तो अशोक हाउस ही आएगा, बाकी सब पैटर्न सेम आएंगे, प्लीज अच्छे से कर लेना। चलिए मिलते हैं बाद में, तब तक अपना ध्यान रखिए, और नए लोग हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करो, थैंक यू।
और दोस्तों गाइडली फॉर्मली नोन एज IBPS गाइड लेकर आए हैं आप लोगों के लिए गाइडली एक्सप्रेस वीडियो कोर्स, जहां बैंक एग्जाम की तैयारी के लिए लाइव और रिकॉर्डिंग सेशन दोनों मिल जाते हैं आपको सिर्फ 1499 रुपए में। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें और वहां जाकर इसे ज्वाइन करें। साथ ही साथ कूपन कोड लर्निंग कैप्सूल्स लगाने पर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा।